सर पलका पोस्ट हार्वेस्ट एप्लीकेशन उड़ान के बाद कैसे करना है? आजकल 6 सितंबर 2018 विलेज ठियोग। ये प्लांट 3-4 साल का है, ये चार एक साल का प्लांट है। ये जो डोज है 4-1 साल के प्लांट के लिए, उसमें सिर्फ 100 ग्राम डलेगी। अभी प्लांट देखें, इन्होंने घास निकाला हुआ है। पलका के लिए हल्का हल्का सा ऐसा कसी डला दें, ऐसे कैसे चला दें कि हमने इसको बाद में मिलाना है, है ना जी। ये पलका मेरे हाथ में 70-80 ग्राम आ जाती है, ठीक है ना जी। इसको इस तरह से डालें पूरे तौलिए में फैलाकर, ठीक है जी। इस बात का खास ध्यान रखें कि पौधे से ये 6 इंच नहीं डालना है, नज़दीक है ना जी, नज़दीक नहीं डालना है, दूर है ना। यहाँ पे वहीं डालना है अगर आपके पास रूट रॉट लगा हो, अदरवाइज इसको ऐसा ऐसा बिखेर दें पूरे तौलिए में, ठीक है जी। मैं इस पेड़ में लगभग 125 ग्राम डालने की कोशिश कर रहा हूँ जी। अब आप जरूर तोल नाप के डालें, मेरे को तो एक्सपीरियंस है इसको डालने का ना जी। हाँ, इसके लिए हम पैमाना डाल दें। हाँ, पैमाना आप 100 ग्राम का डाल दें, बस ये पलका डल गई इसमें। इस बात का खास ध्यान रखें कि पलका डालने के बाद इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, है ना, यहाँ दिखाना आपने। इसको ऐसा हल्का हल्का मिला दें, ठीक है जी। ये ऐसे ना पड़ी रहे मिट्टी में, मिल है ना, ये हल्की हल्की मिट्टी में मिलानी बहुत ज़रूरी है। अगर पलका मिट्टी में नहीं मिलती है तो ये आपको अपने सारे रिजल्ट नहीं दे पाएगी, ठीक है जी। ये 100 ग्राम 125 ग्राम 150 ग्राम तक आप इस 4 साल के पौधे पे डाल सकते हैं, है ना जी। ये चाहे सीडलिंग हो, रूटस्टॉक हो, M9 को छोड़ के बाकी सभी प्लांट्स में ये बस ये पलका हमने डाल दिया, ठीक है जी। अब छोटे पौधे में दिखाता हूँ, ये छोटा पौधा है ना जी, ये शायद पिछले साल का लगा हुआ है। ये घास निकाल दिया इसने, ये साफ नहीं दिख रहा है ना। घास इसलिए निकाल रहे हैं हम कि अगर घास रहेगा तो खुराक तो घास का जाएगा सारा आपका, है ना जी। पलका डालने से किसानों ने फीडबैक दिया है कि घास में कमी आती है, अच्छा। बट जो 3 पत्ती से बड़ा घास है उसको नहीं मार सकता जी, अच्छा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, खासकर छोटे पौधों में ये 6 इंच की दूरी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। मेरा हाथ इतना खुल के 6 इंच हो जाता है, ये 6 इंच की दूरी बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पलका नहीं डालेंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है जी। इसके बाद हल्की हल्की सी कसी चला के जो नाइट्रोजन होता है वो एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, अच्छा। आप उसे कहीं भी डाल दें वो पानी के साथ पौधे तक पहुंच जाएगा, अच्छा। है ना जी, तो इतना घबराने का नहीं होता कि यहाँ नहीं डालना है कभी भी, अच्छा। ये हमने हल्की सी कसी डाली। अब इस पेड़ के लिए रिकमेंडेड है हमारा 80 से 100 ग्राम। आजकल बारिश है लगा हुआ तो हम 100 ग्राम डालेंगे, है ना जी। ये इसको चारों साइड डाल दिया और को डालने के बाद मिट्टी से ज़रूर मिलाएंगे। अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, आपको पहले ही बताया, काम नहीं करेगा, है ना। इसको हल्का हल्का मिलाना है, ज़्यादा गहरा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ये हल्की हल्की कसी से आप इसे इस तरीके से मिला दें, ये पलका का एप्लीकेशन इसमें हो गया, ठीक है। कर दो इसको पॉज।